हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अप्रतिम लर्निंग। आप सभी का अप्रतिम लर्निंग पर स्वागत है दोस्तों। और हम लोग आपके लिए लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए। तो आज हम लोग बेसिकली ये सीखने वाले हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो जब कभी भी हम सामाजिक की बात करेंगे, सोशल स्टडीज की बात करेंगे, तो उसमें तीन चार चीजें हैं जो सम्मिलित रूप से आपके किताब में दे रखी है, जिनमें आपको एक तो राजस्थान को अलग डिवाइड रखना है और एक भारत के बारे में, ये दो चीजें यहाँ पे आपको बता रखी है। तो पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास क्या होता है, इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं क्या होती है। फिर उसके बाद भूगोल क्या है, भारत का भूगोल, फिर राजस्थान के भूगोल के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में, जो इकोनॉमी होती है, जो हमारे जीवन का जो रहन सहन का तरीका है, वे सभी सारी चीजें, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीति यानी पॉलिटिक्स, जो वर्तमान में राजनीति चल रही है उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, ये चीजें कैसे उत्पन्न हुई, इनके बारे में। तो ये बेसिकली मोटे तौर पर देखा जाए तो चार सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग उनका छोटा छोटा रूप पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अभी क्या है, सामाजिक विज्ञान में तो बहुत सारी चीजों को एक साथ मिक्स करके दे दिया। दसवीं क्लास में आपको बेसिक जानकारी देने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा हम राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान की जो कला और संस्कृति है, ये सारी चीजें इसमें छोटे छोटे रूप दे रखे हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले सेक्शन वो है इतिहास। इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इतिहास में आपके प्रारंभ के जो तीन पार्ट है वो इतिहास से संबंधित है, जिसमें आपको प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि प्राचीन काल से लेके 1206 ईस्वी तक का जो काल है उसमें पढ़ाया गया है। फिर दूसरा जो चैप्टर है उसमें मध्यकालीन भारत, यानी जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, वहां से लेके मुगलों ने तब तक राज किया था, तब तक की कहानी वहां में सम्मिलित की गई है। और जो तीसरा खंड है, तीसरा जो आपकी इकाई है, तीसरा जो पार्ट है, उसमें आपको आधुनिक भारत, जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया था, तब से लेके 1947 जब भारत का देश, हमारा जो देश है वो आजाद हुआ, तब तक की कहानी सम्मिलित है। तो प्रारंभ में हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद राजनीति को पढ़ेंगे, और ऐसे करते करते सारा जो कोर्स है वो कवर करने वाले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुख्यतः इतिहास से संबंधित है। पहली चीज तो ये है कि इतिहास होता क्या है, हमें इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास आखिर क्या है, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत पड़ी कि हमें इतिहास पढ़ना पड़ा। तो बेसिकली बच्चों, इतिहास जो है वो इति प्लस ह प्लस आस से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है इतिहास, इति प्लस ह प्लस आस, जिसका अर्थ होता है ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटित हो चुकी है। यानी इतिहास में हम वे चीजें पढ़ने वाले हैं जो पहले घटित हो चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग पहले जो चीजें घटित हो चुकी है उनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों इससे हमें चार, जो हमारे दिमाग में चार प्रश्न आते हैं, उन चार प्रश्नों का हमें जवाब मिलने वाला है। चार प्रश्न कौन कौन से आते हैं हमारे दिमाग के अंदर, पहला प्रश्न आता है क्यों, दूसरा जो प्रश्न आता है कब, तीसरा जो प्रश्न है वो आता है कहां, और चौथा प्रश्न जो आता है वो है कैसे। ये चार प्रश्न हमारे दिमाग में हर वक्त, जब हम कभी भी इतिहास की बात करेंगे तो ये चार प्रश्न हमारे दिमाग में आएंगे कि क्यों ये चीज घटित हुई, यह चीज कब घटित हुई थी। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में पहली बार, या भारतीय जो उपमहाद्वीप है जिसकी हम बात करते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार कृषि के अवशेष कहां पर मिले थे, तो अब इसमें क्या चीज आई, कब मिले, तो उस समय हमें समय एक काल क्रम को निर्धारण करना जरूरी है। तो बेसिकली इतिहास क्या है, इतिहास ऐसी घटनाएं जो पहले घटित हो चुकी है, उन सभी घटनाओं का एक क्रमानुसार विवरण, सभी घटनाओं का क्रमानुसार विवरण जो होता है वह क्या है दोस्तों, इतिहास है। ठीक है, तो इतिहास में हम लोग क्यों, कब, कहां और कैसे, ये चीजें क्यों घटित हुई, कब घटित हुई, यानी समय क्या था, कहां पर कौन सा स्थान था और कैसे, इनके घटित होने के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं। जैसे प्रारंभिक काल में आदिमानव आया, आदिमानव ने सबसे पहले क्या किया, पत्थर के औजार बनाने स्टार्ट किए। फिर पत्थर के औजार बनाने के बाद धीरे धीरे उसे पता चला कि मुझे जीवित रहने के लिए जानवरों को मार के खाना पड़ेगा, तो उसने शिकार करना प्रारंभ किया। फिर उसको लगा कि यार सभी जानवरों को मार लेंगे तो सारे जानवर खत्म हो जाएंगे, तो धीरे धीरे उसने क्या किया, कृषि का कार्य प्रारंभ करना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे उसने कृषि स्टार्ट की तो साथ ही साथ उसे कुछ ऐसे जानवरों की आवश्यकता हुई जो उसकी कृषि में साथ दे सके, जैसे बैल हो गया तो बैलों की सहायता से हल चलाना सीख गए वो लोग, कुत्ता है तो वो घर की रखवाली के लिए, ठीक है, बकरी है तो वो थोड़ा दूध देगी, गाय भी दूध देती, तो ऐसे धीरे धीरे करके उसने क्या किया कि पशुओं को पालना भी स्टार्ट किया।
तो ये सारी चीजें क्या एक क्रम के अनुसार चलती रहती है और उस क्रमानुसार विवरण को ही हम कहते हैं इतिहास। तो इतिहास वह घटनाएं हैं जो पहले घटित हो चुकी है तथा उनका हम लोग अब क्रम के अनुसार, उनकी जो तिथि क्रम है उसके अनुसार हम उनका निर्धारण करने वाले। तो ये सारी चीजें आज हम के इस लेक्चर में आपको पहले इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, उसके बाद हम लोग आज जो चीजें पढ़ने वाले हैं उनके बारे में फोकस करेंगे। तो ये चीजें थी। अब जैसे ये आपको प्रारंभ में ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये क्या है? ये प्राचीन काल में बना हुआ एक मंदिर है। कहाँ पर स्थित है? यह उड़ीसा में जो कोणार्क नामक स्थान है वहां पर स्थित है, इसलिए कोणार्क का सूर्य मंदिर, आपने नाम सुना होगा। ये जो डायग्राम, जो चित्र बना हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये किसका है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का। सूर्य मंदिर क्या होता है? एक ऐसा मंदिर जहाँ पे सूर्य भगवान, जो सूर्य है वो प्रारंभ में सुबह मॉर्निंग में दिखाई देते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये सूर्य मंदिर हो गया। इसके बाद हम लोग आज के जो लेक्चर है इसमें हम महाजनपद काल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इतिहास क्या होता है? तो इतिहास की अगर परिभाषा आपसे लिखने के लिए कहा जाए तो इतिहास क्या होता है? इतिहास होता है ऐसी घटनाएं जो प्रारंभ में घटित हो चुकी है, ऐसी घटना जो निश्चित ही पहले घटित हो चुकी हो, उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास। और इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना होता है, इति प्लस ह प्लस आस। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो ये तीन शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं भारत का इतिहास। बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं, जो आपका पहला पार्ट है। पार्ट नंबर एक या चैप्टर नंबर एक क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत से लेके कहां तक पढ़ने वाले हैं? 1206 ईस्वी तक, क्योंकि 1206 ईस्वी के बाद यहाँ पे मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। तो ये जो प्राचीन भारत से लेके 1206 ईस्वी तक का जो काल है वो प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है। अब प्राचीन भारत के इतिहास में क्या था? देखो, प्रारंभ में क्या था? लोग प्रारंभ में आदिवासी हुए, फिर आदिवासियों ने क्या किया? एक जगह रहना स्थापित किया, तो वहां से क्या होगा? जन का निर्माण हुआ। जन का अर्थ होता है कबीला। जन का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कबीला, यानी जब एक ही जाति के लोग एक साथ रहते हैं तो उसको हम जन या कबीला कहते हैं। फिर जन से क्या बना? जनपद बना। अब कबीला क्या होते थे? कबीले जो होते थे वो एक स्थान पर निश्चित नहीं रहते थे, वो कहीं ना कहीं अस्थायी रूप से कभी इधर कभी उधर कभी उधर ऐसे चलते रहते थे। लेकिन जैसे ही जन से जनपद का निर्माण हुआ, तो जनपद का निर्माण हुआ तो यहाँ पे लोगों ने स्थायी रूप से रहना स्टार्ट कर लिया, स्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया। अब स्थायी रूप से रहेंगे तो क्या करेंगे? खेती बाड़ी भी करेंगे, पशुपालन भी करेंगे, तो यहाँ से जनपद का निर्माण हुआ। और ये जो जनपद थे, ये जनपद जो थे धीरे धीरे क्या होने लगे, इनमें बहुत सारे जनपद, जैसे कोई 5 जनपद एक साथ है, उन जनपदों में से जो जनपद सर्वशक्तिशाली होगा वो क्या करेगा? बाकी वाले जनपदों को खुद के अंदर मिला लेगा। तो एक बड़े जनपद का निर्माण होगा और उसी को कहा जाता है महाजनपद, ठीक है, उसी को महाजनपद कहा जाता है। और ये जो महाजनपद काल है वो 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है वो महाजनपद काल कहलाता है। और इसी दौरान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो भारत के अंदर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, और साथ ही साथ महावीर स्वामी का भी जन्म हुआ, तो भारत में जैन धर्म की स्थापना भी हुई। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी थे, और बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध को। तो ये महाजनपद काल, आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि महाजनपद काल का समय क्या है या तिथि क्रम क्या है, तो महाजनपद काल का तिथि क्रम होता है 600 ईस्वी पूर्व में महाजनपदों का उदय होना प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो पहले हम थोड़ी भारत की बात कर लेते हैं। भारत क्या था, भारत की क्या क्या चीजें थी, भारत क्यों विश्व गुरु कहलाया, ठीक है, ये सारी चीजें भारत के बारे में थोड़ी जानकारी। तो आपको भारत के बारे में अगर बताया जाए तो भारत क्या है? भारत देश का नाम भारत क्यों पड़ा? क्योंकि भारत में एक भरत नाम का महान राजा हुआ था, उसी राजा के नाम के आधार पर ये जो देश इसका नाम भारत रखा गया। भरत नामक राजा के कारण इस देश का नाम रखा गया भारत। और भारत एक प्रायद्वीप है। अब प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप का अर्थ होता है ऐसा भू आकृति जो तीन ओर से समुद्र से घिरी हुई हो। आपने भारत का अगर नक्शा देखा हो, ये देखो यहाँ पे भारत का नक्शा बना हुआ है। अब ये भारत का आधुनिक नक्शा है, वर्तमान नक्शा है। यहाँ पे क्या है? समुद्र है, अरब सागर स्थित है। यहाँ पे अरब सागर स्थित है। नीचे यहाँ पे क्या स्थित है? हिंद महासागर स्थित है।
हिंद महासागर स्थित है, और ये क्या है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो आपने ये चीज देखी कि जो भारत भूमि है वो तीन ओर से, इधर से, इधर से और इधर से, इन तीन ओर से समुद्र से घिरी हुई है। तो ऐसा कोई भी भूखंड जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो भारत एक प्रायद्वीप था जिसमें बहुत सारे देश सम्मिलित थे। वर्तमान में ये जो अफगानिस्तान है, जो पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, तिब्बत, बर्मा यानी म्यांमार, ये सारे के सारे भारत का ही एक भाग थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये अलग होते गए और भिन्न भिन्न देशों का यहाँ से निर्माण हुआ। तो भारत की अगर बात करें तो भारत को विश्व गुरु कहा गया। अब विश्व गुरु ऐसे तो किसी ने कह नहीं दिया, विश्व गुरु कहने के पीछे क्या कारण था, क्योंकि भारत में जब विश्व में अन्य कहीं पर सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, उस समय भारत में एक महान सभ्यता का विकास हुआ था जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपनी नगर नियोजन व्यवस्था के लिए जानी जाती है। अभी सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक का जो काल है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सभी बच्चों ने नाम सुना होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, जहां पर सुनियोजित व्यवस्था थी, यानी वहां पे जो नगर नियोजन व्यवस्था थी, नगर नियोजन जो वर्तमान में आपको जयपुर, आप राजस्थान की बात करें तो वर्तमान में जो जयपुर नगर बसा हुआ है, जो सुनियोजित नगरों की श्रेणी में आता है, वैसे वैसे सिंधु सभ्यता के दौरान भी सुनियोजित नगरीय व्यवस्था थी। वहां पे जो सड़कें बनी हुई थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, मतलब पूरे के पूरे जो क्षेत्र होता था उसको चार भागों में विभाजित कर दिया जाता था 90 डिग्री की, मुख्य सड़कें जो है एक दूसरे को 90 डिग्री की। तो इस प्रकार भारत को विश्व गुरु कहने के पीछे कई कारण है। पहला कारण तो ये हो गया कि यहाँ पर सभ्यता का विकास प्रारंभ में यानी सबसे पहले हुआ था। दूसरी बात, भारत में ऐसे महान गणितज्ञ जैसे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और विभिन्न ज्योतिष और खगोल शास्त्र के परिणेता हुए हैं, जिन्होंने विश्व को आज से हजारों वर्ष पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है वो अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये सारी चीजें। तो इन सभी कारणों के कारण भारत को विश्व गुरु माना जाता है। भारत के जो प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है जिन्हें वेद कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सारे वेद जो है ज्ञान का एक अथाह भंडार है। अगर कोई व्यक्ति इन सभी को पढ़ ले तो वो एक प्रकार से सारी चीजों का ज्ञाता बन सकता है। तो ऐसा था हमारा विश्व गुरु। दूसरी बात क्या है, भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना रही है। वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है, वसुधैव कुटुंबकम। तो भारत में हमेशा से जो भारतीय संस्कृति वो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है। अर्थात वसुधैव यानी वसुधा का अर्थ होता है धरती यानी पृथ्वी, और कुटुंब का अर्थ होता है परिवार। तो भारत के लोगों ने हमेशा से ही पृथ्वी को, पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सभी को अपने परिवार का हिस्सा माना है, और वसुधैव कुटुंबकम नामक ये जो संस्कृति है उसका पालन किया है। इस वजह से भी भारत को विश्व गुरु माना जाता है। इसके साथ साथ जो ऋग्वेद है, अथर्ववेद में कहा गया है कि जो पृथ्वी है यानी अहम मातृभूमि, अथर्ववेद जो चार वेद बताए मैंने आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसमें चौथा वेद जो अथर्ववेद है जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, उस समय यह कहा गया था कि मातृभूमि यानी भूमि हमारी माता है, अहम पुत्रो भूमिया भूमिव्या, मतलब जो भूमि है वो हमारी माता है और मैं उनका पुत्र हूं। तो इस प्रकार की जो भारतीय संस्कृति रही है जिसने विश्व के सभी लोगों को आचरण सिखाया था, विश्व की सभी सभ्यताएं जो है, सभी देश जो है वहां पर ये फैली हुई है भारतीय संस्कृति, जिसने सभी लोगों को आचरण, नैतिक आचरण सिखाया। तो इस प्रकार से ये सारी कहानियां ये बताती है कि भारत एक विश्व गुरु था, और साथ ही साथ भारत को सोने की चिड़िया भी कहा गया। अब इसके बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। तो इसके पीछे क्या, अब सोना यानी स्वर्ण एक बहुत ही कीमती आभूषण है, कीमती धातु है, तो सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि प्रारंभ में भारत के पास इतना अथाह धन संपदा विद्यमान थी,
तो सभी देश इस भारत की ओर आकर्षित होते थे, क्योंकि भारत से मसालों का व्यापार यूरोप के देशों में होता था, तो वहां से अधिक मात्रा में सोने और चांदी जो है भारत में आती थी। इस कारण भारत में आर्थिक रूप से अधिक संपन्न होने के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, प्राचीन भारत से लेके 1286 तक काल, उसमें प्रारंभ में भारत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी है, उसके साथ साथ ये कुछ विशेषताएं हैं भारतीय भूमि के बारे में ये भी बताई जाई गई है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो है महाजनपद। आपको मैंने बताया कि महाजनपद, तो महाजनपद का निर्माण कैसे हुआ, प्रारंभ में जनपद, जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद। तो एक बौद्ध ग्रंथ है, क्या नाम है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, याद रख लेना ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो है उसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का। इसके अलावा कुछ जैन ग्रंथ भी है जिनमें भगवती सूत्र का नाम है, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है इन सभी ग्रंथों में, वो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। इस बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने महाजनपद, 16 महाजनपद। अब महाजनपद का मैंने आपको बताया कि महाजनपद जो काल है उस समय भारत में दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी। भारत में शुरू से ही दो प्रकार की शासन व्यवस्था रही, एक है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, कैसी, राजतंत्रात्मक, और दूसरी है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। आपने नाम सुना होगा राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है, कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि राजतंत्र में क्या अंतर है और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। तो बेसिकली देखो, राजतंत्र यानी यहाँ पे नाम से प्रकट होता है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। जब किसी क्षेत्र के ऊपर राजा का अधिकार होता था, राजा ही स्वयं स्वयं अपना शासन चलाता था, तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती थी। तो आपने सुना होगा कि प्रारंभ में राजस्थान में बहुत सारे ऐसे राजतंत्र हुए, जैसे गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश, कछुआ वंश, ये सारे क्या है, एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के हिस्से थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, लोगों में सद्बुद्धि व्यापना हुई, लोगों ने अपने अधिकारों को जाना, तो धीरे धीरे वहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो होती है, वर्तमान में भारत में जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक व्यवस्था की क्या विशेषता होती है कि यहाँ पे लोगों के द्वारा यानी जनता के द्वारा, जनता में से ही अपने लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है। जैसे प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, हम आम लोगों के द्वारा। तो उसी प्रकार प्राचीन भारत में भी एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन था। तो दो प्रकार की व्यवस्थाएं थी, एक राजतंत्रात्मक और दूसरी है गणतंत्रात्मक। ये जो मैंने आपको 16 महाजनपद बताए, इन 16 महाजनपदों में से दो महाजनपद ऐसे थे जहां पर कैसी व्यवस्था थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था दोस्तों, गणतंत्र। अब 16 जो महाजनपद थे जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है, वे कौन कौन से थे, ये देखो यहाँ पे कंबोज पहला कौन सा था, कंबोज। दूसरा गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला, वर्तमान में जो पाकिस्तान है, वर्तमान में जो पाकिस्तान है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पे बलूचिस्तान आदि है, उस क्षेत्र को कहा जाता था गांधार, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तीसरा जो महाजनपद था वो कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र है हरियाणा और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये महाभारत काल में कुरुक्षेत्र जनपद जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध है यही कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था। उसके बाद हम बात करते हैं सूरसेन, सूरसेन जनपद जिसकी राजधानी मथुरा थी, ये कहाँ पे स्थित था, जो मथुरा है वर्तमान में वहां पे ये सूरसेन जनपद स्थित था, और राजस्थान में भी इसका थोड़ा बहुत विस्तार था, अलवर और भरतपुर जो राज्य थे तत्कालीन उनमें। फिर आता है मत्स्य जनपद, जो मत्स्य जनपद है इसकी राजधानी विराट नगर थी और महाभारत काल में यह अत्यंत प्रसिद्ध था। मत्स्य जनपद में मौर्य शासकों ने भी अपना राज्य किया था। ये मत्स्य जनपद भी राजस्थान में ही विस्तृत है, पूरा का पूरा ये कहाँ पर है, राजस्थान में। तो हम अभी एक बार इनके बारे में जानने के बाद हम वे जनपद पढ़ेंगे जो राजस्थान में स्थित थे। फिर हम बात करते हैं अवंती, जो अवंती जनपद है वर्तमान में जो उज्जैन है, शिप्रा नदी के तट पर जो उज्जैन बसा हुआ है, जहाँ पे महाकाल का भव्य मंदिर है और जहाँ पे विक्रम और बेताल की कहानियां भी बहुत प्रसिद्ध है, ये अवंती जो क्षेत्र है जिसकी राजधानी क्या थी, उज्जैनी। क्या राजधानी थी, उज्जैनी। तो ये कुल 6 जनपद। उसके बाद पांचाल, उसके बाद कौशल,
कौशल जिसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। उसके बाद वत्स, वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। उसके बाद चेदी जनपद, उसके बाद वज्जी, ये वज्जी जो है ये एक संघ था, संघ यानी गणतंत्र। तो मैंने आपको बताया था कि दो संघ थे भारत में महाजनपद काल में 600 ईसा पूर्व में, कुल दो ऐसे महाजनपद थे जहां पर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी, यहाँ पे कोई राजा नहीं था बल्कि प्रजा ही आपस में मिलके इस शासन व्यवस्था को चलाने का काम करती थी। तो उस समय तत्कालीन भारत में, प्राचीन भारत में जो वज्जी संघ है और मल्ल संघ, ये दो ऐसे संघ थे, कौन कौन से, वज्जी और मल्ल, दो संघ या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वहां पे। फिर 13वें नंबर पे काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी, वर्तमान में जो काशी है या वाराणसी है, जहां बनारस, जो वर्तमान में जो बनारस है, प्रारंभ में काशी या वाराणसी के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी, ठीक है। उसके बाद मगध, सबसे जो महत्वपूर्ण साम्राज्य स्थापित हुआ था मगध साम्राज्य, ये महाजनपद काल में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ था मगध सम्राट, मगध साम्राज्य, जहां पे आपने, अगर किसी ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना हो तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध साम्राज्य की नींव डाली थी। मगध साम्राज्य जो है उसका अत्यधिक विस्तार किया था चंद्रगुप्त मौर्य का। किसी ने अगर नाटक देखे हो चंद्रगुप्त मौर्य वाले, जहां पे चाणक्य का नाम प्रसिद्ध था, ठीक है, चाणक्य कौन था, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, जिसने चंद्रगुप्त को घनानंद के सामने लड़ने के लिए एक साहस और हिम्मत प्रदान की थी। उसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मगध के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इसके बाद ये जो 16वां और अंतिम जो महाजनपद है वो अश्मक। अब आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा कि जो 15 है, बाकी वाले 15 जो महाजनपद है, वे सारे के सारे कहां पर, उत्तर भारत में। ये भारत की उत्तर दिशा है, ये भारत की दक्षिण दिशा है, तो ये सारे के सारे उत्तर दिशा में, लेकिन एकमात्र महाजनपद था जिसका नाम था अश्मक और इसकी राजधानी थी पोटली या पोटनी, जिसकी राजधानी पोटली या पोटन नामक राजधानी थी अश्मक। ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग कैसे करें, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विंध्यन पर्वत श्रेणियां। विंध्यन पर्वत श्रेणियां, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां और नर्मदा नदी, ये जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। इसलिए तो प्रारंभिक काल में उत्तर भारत एक अलग पूरी संस्कृति थी और दक्षिण भारत में एक पूरी अलग संस्कृति थी, ठीक है। और वर्तमान में भी अगर हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो जो संस्कृति पहले प्राचीन भारत में थी वही उसका रूप ही अभी भी दिखाई देने को मिलता है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो कोई भी भारत में प्रवेश करता था वो कहां से, भूमि भाग से प्रवेश करता था, उत्तर पश्चिमी भाग से प्रवेश करता था, इसलिए उसको दक्षिण तक पहुंचने में अधिक समय लगता था। इस कारण दक्षिण भारत में अभी भी विशुद्ध भारतीय संस्कृति देखने की झलक जो है वो देखने को मिलती है। तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था जिसका नाम था अश्मक। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें जो महत्वपूर्ण है, पहली बात कि महाजनपद काल जो है वो 600 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। ईसा पूर्व क्या होता है, ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म, ईसा मसीह जो थे उनके जन्म से पहले का जो काल है वो ईसा पूर्व का काल कहलाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो काल है वो ईसा के बाद का जन्म काल कहलाता है। देखो इस चीज को हम पहले यहां से समझेंगे, जैसे ये यहां पर ईसा का जन्म हुआ, ईसा का जन्म यहां पर हुआ, इससे पहले का जो काल है वो क्या कहलाता है, ईसा पूर्व, जिसको हम कहते हैं BC या बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट का अर्थ होता है ईसा मसीह। तो ईसा के पहले का जो काल है वो ईसा पूर्व और ईसा के बाद का जो काल है वो ईसवी सन कहलाता है। तो वर्तमान में क्या चल रहा है, 2000 ईस्वी, ठीक है, ऐसे 2000 से कम करेंगे तो चलता जाएगा, यहाँ पर जीरो है, जहां पे ईसा का जन्म हुआ वो जीरो है, जीरो के बाद 1, 2, 3 ऐसे चलते चलते 2020, और यहां से कम करते जाएंगे और ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, 1, 2, 3, ईसा से 2 वर्ष पहले, ईसा से 200 वर्ष पहले, ईसा से 600 वर्ष। तो ये यहाँ पर क्या है, महाजनपद काल जो ईसा से 600 वर्ष ईसा पूर्व का जो काल है वो महाजनपद काल कहलाता है। और महाजनपद बहुत ही बड़े बड़े छोटे, जब बहुत सारे जनपद आपस में मिले तो एक महाजनपदों का उदय हुआ था, और कुल 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। तो यहाँ से आपको, यहाँ से पूरे मैप की सहायता से पूरा पता चल गया होगा कि कौन कौन से महाजनपद हुए, उनमें से कौन कौन से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले थे, जो वर्तमान में जो शासन व्यवस्था चल रही है उसी तरह की वज्जी और मल्ल संघ थे, और बाकी जो 14 जो शेष बचे महाजनपद थे वे सारे क्या थे, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले थे। चलिए अब ये आपकी किताब में बता रखा है महाजनपद और उनकी राजधानी, जैसे
काशी जनपद है तो उसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। कुरु की इंद्रप्रस्थ, अंग की चंपा, मगध की राजगृह या गिरिवज, ये सबसे प्रमुख जो साम्राज्य जो महाजनपद हुआ है वो मगध महाजनपद है। और इसी का हम आगे उल्लेख करने वाले हैं क्योंकि मगध जो महाजनपद है इसमें पहले हरेक वंश की स्थापना हुई। हरेक वंश की स्थापना के बाद यहाँ पे शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश की स्थापना के बाद यहाँ पे नंद वंश की स्थापना हुई जिसका संस्थापक महापद्मनंद था। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद जो कि एक भोग और विलासी राजा था और वहां की जनता में उसके प्रति बहुत ही ज्यादा रोष था तो उसको हराने का काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और वहां पे मौर्य वंश की स्थापना की। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो मौर्य वंश के बारे में ही होगा, ठीक है। उसके बाद वज्जी संघ है। ये वज्जी संघ और मल्ल ये दो क्या थे? संघ थे, यानी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी जो वर्तमान में शासन व्यवस्था है लोकतंत्रात्मक है, गणतंत्र। जैसे हमारे भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति, गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति, और जनता का जो प्रमुख है वो होता है प्रधानमंत्री। फिर ये चेदी जनपद जिसकी राजधानी शक्तिमती, उसके बाद वस्त्र जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। तो कौशल की राजधानी अयोध्या, बुद्ध काल में दो भाग थे इसमें, उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी और दक्षिणी भाग की राजधानी जो है श्रावस्ती, ठीक है। तो ये कौशल के दो भाग थे। अयोध्या का नाम सभी ने सुना होगा, यहाँ पे भगवान श्री राम ने जहाँ पे राज किया था वो अयोध्या, ठीक है। और तो ये जो कौशल भाग में दो सम्मिलित थे भाग, एक अयोध्या सम्मिलित था और दूसरा था दक्षिणी भाग जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। उसके बाद पांचाल, तो पांचाल में भी उत्तरी पांचाल था और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अईछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। उसके बाद मत्स्य जनपद, ये जो मत्स्य जनपद है ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में जो जयपुर है, वर्तमान जयपुर, उसके बाद अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के जो भाग है वो मत्स्य जनपद का हिस्सा थे। इसकी राजधानी थी विराट नगर। उसके बाद सूरसेन जनपद, ये भी राजस्थान में थोड़ा बहुत इसका भाग सम्मिलित है। सूरसेन जनपद, सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। क्या नाम था इसका? मथुरा। फिर अस्मक, अस्मक मैंने बताया कि दक्षिण भारत में एकमात्र जो महाजनपद था दक्षिण भारत में उसका नाम था अस्मक जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। उसके बाद उज्जैन, ये भी उत्तर भारत में था, वर्तमान में जो उज्जैन बसा हुआ है अवंती या उज्जैन जो है इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। ये देखो उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। उसके बाद गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और गांधार वर्तमान में कहां पर स्थित है? पाकिस्तान, जो उत्तर पश्चिमी भारत है, जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान का भाग है वहां पे है तक्षशिला। और सोलवा और अंतिम जो है वो कंबोज जिसकी राजधानी क्या थी? राजपुर या हाटक। तो उपयुक्त 16 महाजनपदों में दो प्रकार के राज्य थे। कौन कौन से राज्य थे? एक तो राजतंत्र राज्य और दूसरे गणतंत्र, ठीक है। तो कौशल, वस्त्र, अवंती और मगध, ये जो चार राज्य है कौन कौन से? कौशल, वस्त्र, अवंती और मगध, ये इन महाजनपदों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। और अंततः ये जो मगध जनपद है इसने अवंती को भी खुद में मिला लिया, वस को भी खुद में मिला लिया और कौशल को भी खुद में मिला दिया और अंततः एक मगध साम्राज्य की नींव रखी गई। मगध साम्राज्य में जो प्रारंभिक जो शासक थे उनमें थे हरेक वंश की स्थापना हुई थी वहां पे, हरेक वंश के बाद शिशुनाग वंश की, ऐसे करके करते हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन आज के जो टॉपिक है उसमें हमने इतिहास के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, इतिहास क्या है, इतिहास का उदय कहाँ से हुआ, इतिहास का मतलब क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये चीजें जानना होता है। इतिहास को हम लोग एक विशिष्ट घटनाक्रम के रूप में, एक निश्चित तिथि क्रम के रूप में पढ़ेंगे तभी हमें इतिहास याद रहेगा। क्योंकि इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन अगर इसको हम अच्छे से पढ़ें, एकदम चीजों को समझते हुए पढ़ें और साथ ही साथ एक निश्चित घटनाक्रम में पढ़ेंगे तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, ठीक है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख हमने किया और उस समय की जो तत्कालीन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था जिसमें राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी उसके बारे में हमने बात की। वर्तमान में भी जो उस समय गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वर्तमान में भी उसके अवशेष देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी सारी चीजें आपको बताऊंगा तो आप लोग क्या है कि यहाँ से भाग जाओगे, क्लास भी नहीं लोगे, बोलोगे सर हमें सामाजिक पढ़ाओ ही मत आप लोग। इसलिए क्या करेंगे, धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ते हुए एक एक चीज को बहुत ही आसानी से एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सारी चीजों को यहीं पर आपको याद करवाया जाएगा और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और जो नोट्स यहाँ पे आपको क्लासरूम में थोड़े बहुत जो बनवाए जाए नोट्स उनको कॉपी में लिखते रहें ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो उनको ही पढ़ के जाएंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए
ठीक है, तो चार कौन कौन से शक्तिशाली राज्य थे? कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, अवंती जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी, और मगध जिसकी राजधानी राजगृह गिरिबज थी, लेकिन बाद में उदयन के काल में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई, ये भी बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है उसमें। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था जिसमें कपिलवस्तु के शाक्य थे। अब ये कपिलवस्तु जो महात्मा बुद्ध है, जो गौतम बुद्ध है, वे कपिलवस्तु के शाक्य परिवार के थे, एक राजा थे महात्मा बुद्ध, लेकिन बाद में जब इन्होंने दुनिया को इस रूप में देखा कि उनका संसारिक मोह से उन्होंने अपना त्याग दे दिया और एक साधु बन गए, और अंततः इन्होंने बोध गया यानी बिहार में जाकर एक बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार कपिलवस्तु के शाक्य सुषुम्ना गिरि के भाग, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, रामग्राम के कोलीय, कुशीनारा के मल, मल के बारे में आपको बताया मैंने, पावापुरी के मल, तो दो जगह मल शासन स्थापित था, कुशीनारा में और पावापुरी। अब पावापुरी का नाम तो सुना ही होगा आपने, गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है पावा, पावापुरी, ठीक है। और उसके अलावा पीपलविन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, ये प्रसिद्ध है, वैशाली के जो लिच्छवी है वो अधिक प्रसिद्ध है। उसके अलावा मिथिला के विदेह, तो ये बहुत सारे नाम है, तो इसमें आपको इतने सारे नाम तो याद रखने भी नहीं और याद रहेंगे भी नहीं। तो हमें यहाँ पे याद रखने वाली चीजें आपको मैंने बता दी है कि प्राचीन काल में भारत की क्या स्थिति थी, उसके बाद महाजनपद काल में कौन कौन से महाजनपद थे, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, और तत्कालीन समय में जो सबसे श्रेष्ठ महाजनपद हुए उनमें चार महाजनपद कौन कौन से थे, तो ये सारी चीजें जो है उनको थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है, ज्यादा यहाँ पे PhD करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो जो चीजें हमने सीखी उनको थोड़ा सा एक बार नोट्स के रूप में देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में आपको क्या लिखना है। प्राचीन भारत में दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी, दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी। कौन कौन सी शासन व्यवस्था थी? पहली शासन व्यवस्था थी जिसको हम कहते थे राजतंत्र या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरी जो शासन व्यवस्था थी वो थी गणतंत्र या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो प्राचीन भारत में जो महाजनपद थे उनमें एक तो वज्जी संघ और दूसरा था मल्ल संघ, ये दो महाजनपद ऐसे थे जहां पर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी, और राजतंत्र वाले बाकी वाले जो 14 बचे हुए उनमें कैसी थी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना है कि अश्मक, अश्मक एक ऐसा महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? पोटनी या पोतनी राजधानी थी, और ये कहां पर स्थित था? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था जिसका नाम था अश्मक और पोतनी। तीसरा पॉइंट लिखना है आपको कि जो गांधार है, क्या नाम है? गांधार या तक्षशिला जो महाजनपद था, गांधार या तक्षशिला, ये कहां पर स्थित था? वर्तमान में कहां पर स्थित था? पाकिस्तान में। ये सवाल पूछ सकते हैं, तो वर्तमान में पाकिस्तान में जो महाजनपद था उसका नाम गांधार या तक्षशिला। आपने नाम सुना होगा कि तक्षशिला महाविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय भारत का, और ये मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने भी यहीं से शिक्षा ली थी, और इस तक्षशिला जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय का जो आचार्य था वो कौन था? चाणक्य, जिसका नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य, और जिसके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तब। तो ये चार पांच चीजें हैं जो आपको याद रखनी है यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग ये चीजें देखने वाले थे। इसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी कि जो महाजनपद पढ़े उनमें से कुछ ऐसे जनपद थे जो राजस्थान में स्थित थे, तो हम बात करते हैं राजस्थान में स्थित जनपद या महाजनपद जो है राजस्थान में स्थित जनपद का उल्लेख करते हैं। देखो क्या हुआ बेसिकली कि राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगर हम भारत का नक्शा बनाए यहाँ पे, ये भारत का नक्शा ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा, ये लो ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, और यहाँ पे ये लो ये यहाँ पर जो है ये राजस्थान स्थित है। क्या है? राजस्थान। अगर मैं इसको दक्षिणी दिशा यानी साउथ कहूँ, इसको उत्तरी दिशा नॉर्थ, ये हमारी पूर्वी दिशा ईस्ट, और ये यहाँ पर वेस्ट है। ये हमारे भारत का नक्शा है, और भारत के नक्शे में जो राजस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? इधर उत्तर पश्चिम में स्थित है, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। और इस राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है, और भारत का जो भूभाग है वो उत्तर पश्चिम से, यानी उत्तर पश्चिम से ही भारत में जो बाहरी आक्रमणकारी हुआ करते थे वो आया करते थे। और ये जो निचला भाग है यहाँ पे समुद्र स्थित होने के कारण प्राचीन काल में जो व्यापार आदि होता था वो समुद्रों की बजाय यहाँ से, ये जो स्थल खंड है वहां से होता था। तो यहीं पर उत्तर पश्चिम में तक्षशिला या गांधार
जो मैंने आपको बताया महाजनपद स्थित था। तो यहाँ से क्या होता, ये जो पंजाब है, इस पंजाब से जो प्राचीन काल में उत्तर पश्चिम से होते हुए विदेशी आक्रमणकारी आए थे, जैसे यूनानी हो गए, शक हो गए, बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए जिन्होंने भारत के ऊपर अपना आक्रमण किया और अधिकार जताने की कोशिश की, लेकिन वे सभी उत्तर पश्चिम से आगे नहीं बढ़ पाए। कब तक नहीं आगे बढ़ पाए, 12वीं शताब्दी तक वे उत्तर पश्चिम से आगे नहीं बढ़ पाए, केवल वहीं तक सीमित रहे। ठीक है, तो वहां से उस दौरान बहुत सारी विदेशी जातियां यहाँ पे आई और वो यहाँ पे रहने लग गई। तो उन विदेशी जातियों में कुछ ऐसे जातियां थी जिनमें नाम आता है मालव, दूसरा नाम आता है अर्जुनायन और तीसरा नाम आता है शिवी। ये तीन ऐसी जातियां थी जो पंजाब से होते हुए कहां पर चली आई, राजस्थान के अंदर, और यहीं पर आके रहने लग गई। ठीक है, तो अब जो जातियां यहाँ पे आई, उन्होंने अपने क्या स्थापित कर लिए, यहाँ पे जनपद स्थापित कर लिए। मालवा ने मालव जनपद स्थापित कर लिया, अर्जुनायन ने आकर अर्जुनायन जनपद स्थापित कर लिया, जो शिवी जाति थी उन्होंने शिवी जनपद की स्थापना कर ली। ऐसे कैसे भारत राजस्थान में जो महाजनपद थे उनमें एक नाम आता है कौन सा, मत्स्य जनपद, और दूसरा नाम आता है सूरसेन जनपद। तो इन सभी जनपदों का कितने मैंने बताया, 1, 2, 3, 4, 5 और एक और जो है जनपद उसमें आता है जांगल प्रदेश, एक और है जांगल प्रदेश। इन सब के बारे में यहाँ पे जो आपकी किताब में दे रखे हैं वहीं तक हम पढ़ाएंगे, ज्यादा फालतू इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो विदेशी जातियां जो है वो पंजाब में से यहाँ पे आके रहने लग गई, और यहाँ पे राजस्थान में शिवी जनपद, अर्जुनायन जनपद, मालव जनपद जैसी कई जनपद स्थापित हुए। इसके अलावा महाभारत काल का भी एक जनपद यहाँ पे स्थापित था जिसका नाम था मत्स्य जनपद, और एक जो सूरसेन जनपद, और उसके अलावा एक जांगल प्रदेश। अब पहले हम बात करते हैं जांगल प्रदेश क्या है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जांगल प्रदेश के बारे में या जांगल जनपद के बारे में हमें जानकारी दीजिए, तो बेसिकली जांगल प्रदेश जो है वो जोधपुर और बीकानेर का आसपास का जो क्षेत्र है, जोधपुर एवं बीकानेर तथा उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दूसरी बात, जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी, जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी, ऐश छत्रपुर जो कि वर्तमान में नागौर जिला जो है वहां पर स्थित थी। तो पहली बात क्या, जांगल प्रदेश कहां पर स्थित है, तो वर्तमान में जो जोधपुर और बीकानेर तथा उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र जहां पे कंटीली झाड़ियां आदि बहुत तादाद में पाई जाती है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, जांगल प्रदेश कहलाता है। और इस जांगल प्रदेश की राजधानी थी ऐश छत्रपुर या नागौर। तीसरी बात, इसीलिए बीकानेर के जो शासक है, बीकानेर के जो प्रमुख शासक हुए जैसे कर्ण सिंह हुए, गंगा सिंह हुए, तो ये बीकानेर के शासक क्या कहलाते हैं, जंगलधर बादशाह। क्या कहलाते हैं, जंगलधर बादशाह कहलाते हैं, क्योंकि ये जो प्रदेश है वो जांगल प्रदेश कहलाता है और यहाँ के शासक जंगलधर बादशाह। तो बीकानेर के जो शासक हुए कर्ण सिंह, बीकानेर के शासक कर्ण सिंह, इनको औरंगजेब के द्वारा जंगलधर बादशाह की उपाधि दी गई थी। उसके बाद से, या हालांकि इससे पहले भी जंगलधर बादशाह कहलाते थे, लेकिन कर्ण सिंह को इस प्रकार की उपाधि दी गई थी, किसी जो शासक था कहाँ का, दिल्ली सल्तनत के शासक, उसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह की उपाधि दी गई। तो यहाँ पे ये जांगल प्रदेश जो है वो तीर जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र में स्थित था, राजधानी ऐश छत्रपुर जो वर्तमान में नागौर है वो थी, और बीकानेर के शासक जो है वो जंगलधर बादशाह कहलाते थे, और इस प्रकार की उपाधि कर्ण सिंह को दी गई थी, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। तो जांगल प्रदेश की बात खत्म हुई। अब हम बात करते हैं मत्स्य प्रदेश की, मत्स्य प्रदेश। ठीक है, अब ये मत्स्य प्रदेश क्या था, तो मत्स्य प्रदेश जो है महाभारत काल में, जब महाभारत काल की घटना हुई थी, उस महाभारत काल में मत्स्य प्रदेश एक महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी, विराट नगर इसकी राजधानी थी, जो वर्तमान में बैराट या जयपुर जो है, वर्तमान में जयपुर या बैराट जो है वो इस मत्स्य जनपद की राजधानी थी, विराट नगर। इस मत्स्य जनपद पर मौर्यों ने भी अपना शासन स्थापित किया था, मौर्यों के द्वारा यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया गया था। तीसरी बात, जो मत्स्य जनपद है या मत्स्य प्रदेश जो है वो वर्तमान में अगर उसका भौगोलिक क्षेत्र हम स्थापित करें तो कहाँ कहाँ पर स्थित है, ये वर्तमान में जो जयपुर है, उसके अलावा अलवर, उसके अलावा धौलपुर, उसके अलावा भरतपुर का कुछ भाग और जो करौली के कुछ भाग, ये जो क्षेत्र है वो मत्स्य जनपद का हिस्सा है। इसीलिए जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया, मत्स्य प्रदेश कहा गया। ठीक है, तो मत्स्य प्रदेश कहाँ पे था, जयपुर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर तथा करौली के कुछ भागों में, इसकी राजधानी विराटनगर,
थी। और महाभारत काल में जो 5 पांडव है वो इस मत्स्य प्रदेश में या विराटनगर में आए थे और यहाँ पर कुछ समय तक रुके थे। ठीक है, तो ये थी मत्स्य प्रदेश या मत्स्य जनपद की जानकारी। फिर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे सिवी जनपद। तो राजस्थान में सिवी जनपद जो है इसका विस्तार कहां पर था? मेवाड़ में। कहां पे था? मेवाड़ जो क्षेत्र है जहां पर सिसोदिया वंश के शासक जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा का नाम सुना हो। तो इस मेवाड़ क्षेत्र में जो सिसोदिया वंश के राज थे उससे पहले यहाँ पे सिवी जनपद स्थापित था। और इस सिवी जनपद के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? सिक्कों के माध्यम से सिवी जनपद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। और सिवी जनपद मेवाड़ में स्थित था। अब सिवी जनपद की राजधानी थी नगरी, जो वर्तमान में हम जिसे चित्तौड़गढ़ कहते हैं, वर्तमान में जिसे हम चित्तौड़गढ़ कहते हैं, वह सिवी जनपद की राजधानी थी और उसका प्राचीन नाम था नगरी। तो ये सिवी जनपद कहाँ पे स्थापित था? मेवाड़ में स्थापित था। और सिवी जनपद के बारे में जानकारी सर्वप्रथम सिक्कों के माध्यम से होती है। और सिवी जनपद की जो राजधानी है वो क्या थी? चित्तौड़गढ़ राजधानी थी। और नगरी जिसे प्रारंभ में नगरी कहा जाता था और वर्तमान में कहा जाता है चित्तौड़गढ़। तो ये थी सिवी जनपद के बारे में जानकारी। इसके अलावा हम बात करते हैं सूरसेन जनपद की। सूरसेन जनपद, अब ये सूरसेन जनपद जो है उसका विस्तार भी राजस्थान के कुछ भागों में स्थित था, जिसमें भरतपुर और धौलपुर का नाम आता है। इसीलिए यहाँ पर ब्रज संस्कृति भी पाई जाती है, क्योंकि जो मथुरा है, ठीक है, जो मथुरा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा का शुरू से ही प्रचलन रहा है। तो भरतपुर और धौलपुर की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से टच करती है, यानी छूती है। इस वजह से यहाँ पर भी एक ब्रज संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। और जो सूरसेन जनपद है जिसकी राजधानी मथुरा थी, ये कहाँ पर स्थित था? भरतपुर और धौलपुर में इसका कुछ जो भाग है वो स्थित था। अब ये मथुरा में आपको पता है कि जो भगवान कृष्ण हुए वो यादव वंश के थे। तो करौली जो क्षेत्र है, जो धौलपुर क्षेत्र है, यहाँ पर यादव वंश ने राज किया था और मथुरा ने भी यादव वंश के द्वारा राज किया था। इसलिए राजस्थान में भी यादव वंश के प्रमाण कहाँ पे मिलते हैं? करौली तथा धौलपुर के क्षेत्रों में। और साथ ही साथ जो भाटी वंश है राजस्थान का, भाटी वंश जैसलमेर में, वो भी कैसे? यदु वंश, यानी खुद को कृष्ण का वंशज मानते हैं। तो करौली और जैसलमेर की जो भाटी है वो अपने आप को क्या मानते हैं? कृष्ण का वंशज, क्योंकि यहाँ पे यादव वंश की संस्थापक हुई थी। ठीक है, तो सूरसेन जनपद का विस्तार राजस्थान में करौली, धौलपुर तथा भरतपुर के कुछ भागों में स्थित था। और सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। और यहीं से जो मूर्ति निर्माण की मथुरा शैली है वहां का विकास हुआ था। मूर्ति निर्माण की जो मथुरा शैली है उसका विकास यहाँ से हुआ था। और मथुरा शैली में बुद्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। तो ये 4 जनपद हमने पढ़ा जिनका संबंध राजस्थान से था। तो ये सारा चीज कौन कौन से हो गए? जांगल प्रदेश हो गया, दूसरा हमने पढ़ा मत्स्य प्रदेश, तीसरा हमने पढ़ा सिवी जनपद, और चौथा पढ़ा हमने सूरसेन जनपद। तो इनके बारे में आपके 10वीं की किताब में बहुत थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी है, तो इनमें से सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको इनके साथ डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और कल से हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल। तो महाजनपद जो काल है वो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। महाजनपद के बाद मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, और मगध साम्राज्य के द्वारा जो इसके 3 महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य थे, जिनमें वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और उज्जैन जिसकी राजधानी सॉरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, इन सभी को मगध साम्राज्य के अंदर मिला दिया गया। और मगध साम्राज्य में एक शासक, एक वंश की नींव पड़ती जिसका नाम था हेक वंश, और बाद में वहां पर मौर्य वंश की स्थापना होती थी। इसलिए मगध साम्राज्य इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है, और कल हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।